ज्यादा अचंभित करते रहे हैं। क्या है अनंत प्रकाश से आलोकित इन तारों का रहस्य? ब्रह्मांड की इस पहेली को आज से लगभग 100 वर्ष पहले जिस वैज्ञानिक ने सुलझाया, वे थे भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाथ साहा। आज उनकी जयंती है। न्यूजलैंड में जानते हैं क्या थी इस महान वैज्ञानिक की खोज, जिसका लोहा महान अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी माना था। प्रोफेसर मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के निकट एक गांव में हुआ था। भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। विज्ञान आकाश में सबसे चमकते नक्षत्रों में से एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा ने पहली बार अरबों खरबों मील दूर स्थित नक्षत्रों को समझने में विज्ञान की मदद की। वर्ष 1920 में उनके द्वारा प्रतिपादित आयनीकरण समीकरण, जिसे हम साहा समीकरण के नाम से जानते हैं, इस खोज ने ब्रह्मांड की एक बड़ी पहेली हल कर दी। यह सिद्धांत गैसों के स्पेक्ट्रम से उनके तापमान और दबाव के संबंध को स्थापित करता है। इस सिद्धांत के जरिए वैज्ञानिक खरबों मील दूर नक्षत्रों के वायुमंडल में स्थित तत्वों एवं उनके तापमान की बिल्कुल सही गणना कर सकते हैं। इस खोज ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी और मेघनाथ साहा का नाम अमर कर दिया। मेघनाथ साहा को 5 बार प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह पुरस्कार उनसे दूर रहा। उनके सिद्धांत को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक महान खोज बताया। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ ही मेघनाथ साहा के प्रखर राष्ट्रवादी विचार भी थे। उन्होंने 1950 में कोलकाता विश्वविद्यालय में देश के पहले परमाणु भौतिकी अध्ययन केंद्र की स्थापना की, जिसे आज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में जानते हैं। देश का पहला साइक्लोट्रॉन स्थापित करने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने कोलकाता से 1952 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव भी जीता था। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दामोदर घाटी निगम की रूपरेखा भी उन्होंने ही तैयार की थी और राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक कैलेंडर को मान्यता दिलवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। 16 फरवरी 1956 को भारत के इस महान सपूत ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका भारत और विश्व को योगदान अजर अमर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।